समर में बहुत से फूल खिलाने वाला पौधा पोर्चुलाका और मॉस रोज, और इसे ये है पर्सलेन, पोर्चुलाका की वैरायटी ही है। तो इसे हम अगले सीज़न के लिए किस तरह से सेव करें ताकि ये हमारे गार्डन में हमेशा के लिए बने रहें। और नवंबर तक ये पौधा भी फूल खिलाएगा, तो अधिक फूल लेने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट करने चाहिए, कैसी हम इसे सर्दी में लोकेशन देंगे, इसी विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और इसके लिए फर्टिलाइज़र क्या हो वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त निलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप मेरे पर्सलेन पोर्चुलाका के पौधे जो है फूल भी खिला रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े से हो गए हैं। जब ये इतने बड़े हो जाते हैं तब ये इनको जो है नए पॉट की आवश्यकता होती है। इस पौधे के जब तक पॉट में पोषक तत्व रहते हैं तब तक ये बड़ा होता रहता है। जब पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं पॉट में तब ये बढ़ना समाप्त कर देता है। तो देखिए, अब हम इसे अगले सीज़न के लिए बचाने के लिए कुछ काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये पौधे पर जो है मिलीबग बहुत लगते हैं। मिलीबग, स्पाइडर माइट और ब्लैक एफिड्स जो है उसका अटैक इन पौधों पर बहुत होता है, क्योंकि ये जो है बहुत ही संघने संघने से पौधे होते हैं। देखिए कितना हैवी पौधा है ये। इसमें जो है हवा लगने की जगह नहीं होती है, इसलिए इसमें स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं जो कि जाले जाले से पौधे में बना देते हैं और पौधे को सांस लेने में दिक्कत होती है। और एक इसके ऊपर सफ़ेद रंग का कीड़ा लग जाता है मिलीबग, जो कि पौधे का रस चूस लेता है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिलीबग है। जब ये पौधे का रस चूस लेता है तो पौधा जो है तुरंत मर जाता है। अचानक ही ये पौधा मर जाता है, हमारे को पता ही नहीं चलता क्या हो गया इस पौधे को। तो देखिए ये जो मिलीबग है, मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ एक, तो मैंने इसको मार दिया है। तो इसको आपने रखना नहीं है, मारना है। तो इस एक तो हम इससे इस पौधे को बचाएंगे। एक जब ठंड तेज पड़ती है तब पाला पड़ता है तब हमने इसको बचाना है। तो कैसे हम इसको बचाएंगे, तो इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, इसलिए इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जब भी आप वाटरिंग करते हो सुबह के टाइम, तेज़ धार के साथ जितने भी मिलीबग हैं आप हटा दें, क्योंकि एक एक मिलीबग को तो हम हटा नहीं सकते। पौधे की पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी, बहुत ही हैवी हैवी सा ये पौधा है। तो मैं इसकी टिप्स के ऊपर पानी इस तरह से स्प्रे करती हूँ कि इसके पॉट के अंदर ज़्यादा पानी ना जाए, और इसकी जो टिप्स हैं वहीं पर ही ज़्यादा मिलीबग होता है। तो जितने भी मिलीबग्स होते हैं मैं इस तरह से पाइप के साथ उतार देती हूँ। तो आप भी इस तरह की ट्रिक अपनाएं। अगर आपके पास छोटा सा ही पौधा है तो आप टेप की हेल्प से भी मिलीबग को हटा सकते हैं। बट मेरा पौधा तो जो देखिए बहुत से छोटे मोटे पॉट्स में लगा हुआ है, हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ है। तो शाम के टाइम आपने क्या करना है, आधा ढक्कन जो है नीम ऑयल का ले लें। ये ऑर्गेनिक नीम ऑयल है, कोई भी केमिकल का आपने इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना है। तो देखिए आधा ढक्कन डाल दिया है, थोड़ा सा एक चुटकी मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारा स्प्रेयर है वो भी ख़राब ना हो जाए। तो शाम के टाइम मैं इस के पौधे पर पोर्चुला का, मॉस रोज और पर्सलेन सभी पौधों पर ये जो है स्प्रे कर देती हूँ। इससे जो है ये कीड़े जो हैं मर जाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर आपको कीड़ा कोई लग रहा है वहाँ पर इसकी तेज़ धार मारें ताकि ये कीड़े जो है नीचे गिर जाएं। और उसके बाद आप फर्श की सफाई कर दें ताकि फ़र्श के ऊपर भी ना रहे। देखिए यहाँ से मैं तेज़ धार मार के इस कीड़े को हटा दूँगी। बहुत ज़्यादा सर्दी जब होती है तब आपने पाइप के साथ इसके ऊपर पानी का स्प्रे नहीं करना है, तब आप दवाई ही स्प्रे करें। जो नीम ऑयल मैंने बताया है वही आप इसके ऊपर स्प्रे करके तो इसको मिलीबग को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए,
ये जो पौधा है इसकी रूट्स बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, ये पौधा अब रिपोर्टिंग मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग हम इसकी नहीं करेंगे, हम इसकी बड़ी बड़ी सी स्टेम्स को कट कर लेंगे। कट करके किसी नए पॉट में नई तरह की मिट्टी बनाएंगे तो उसमें हम लगा देंगे। अगर हम अब इस तरह से नहीं लगाएंगे तो अगले सीजन में ये जो पौधा है फूल भी नहीं खिलाएगा, तो ये बड़ा होने के कारण इसकी स्टेम्स तेज़ सर्दी में टूट टूट कर गिर भी जाती हैं और ये पौधा मर जाता है। और ज़्यादा वेट के कारण रूट्स से उखड़ उखड़ कर भी ये पौधा जो है गिर जाता है। तो इसकी मिट्टी को आपने बिल्कुल सूखा सूखा सा रखना है, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, ये कम पानी वाला पौधा है। तो सारे पौधे की आप हार्ड प्रूनिंग कर दें, तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा हो गया है ये पर्सलेन का पौधा, एक मेरे हैंगिंग पॉट में भी लगा पड़ा है। तो इसे आप लोकेशन ऐसी दें जहाँ पर फुल सनलाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिलती हो। तो देखिए जहाँ पर मिलीबग लगा हुआ है उस पोर्शन को आप कट करके हटा दें, हटाने के बाद मिट्टी में होल करें और इस तरह से इसको लगा दें। तो मिट्टी आपने किस तरह की लेनी है, 1/3 गार्डन सोयल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 आपने बर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट डाल लेनी है। तो इस तरह का मिक्सचर बनाकर आपने मिट्टी को लगा लेना है। ज़्यादा पानी होल्ड करने वाली मिट्टी हमने नहीं लेनी। तो जहाँ देखिए दो पॉट्स में मैं ये सब कटिंग्स लगा दूँगी, जो प्रूनिंग करने वाली रह गई है वो बाद में मैं करके उसको भी मैं इस पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। इस पौधे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये पौधा फूल खिलाने के बाद जो है बीज बनाएगा, इसके बीज को भी हमने सेव करके रखना है। जब बीज बनेंगे, जब पक जाएंगे, तो हम जब तक धूप निकलती है तो इसे फुल सनलाइट में लगे रखेंगे। जब तेज़ ठंड होती है, बहुत पाला गिरने लगता है, धुंध हो जाती है, बहुत फोग गिरने लगती है, तब इस पौधे को उठाकर बालकनी में बरामदे की छत के नीचे कवर्ड एरिया में आप शिफ्ट कर दें और पानी इसे 15-15 दिनों तक ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्दियों में। सर्दियों में आप पानी इसकी मिट्टी को चेक करके फिर दें। और पोर्चुलाका को इसी तरह से आप कटिंग करके नए पॉट में लगा लें। पिछली वीडियो में मैंने पोर्चुलाका को सेव कर लिया था, तो आपके साथ वीडियो शेयर भी की हुई है, दो रंग के फूल भी बताए हैं मैंने किस तरह से एक ही पौधे पे लिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे भी देखिएगा। उसके भी आप पहले सेव करने से पहले बीज कलेक्ट कर लें और उनको एयर टाइट कंटेनर में रख लें। और ये पौधा अभी बीज बनाएगा तो पहले आप इसकी कटिंग लगा लें, इसकी 4-5 दिन में ही आराम से रूटिंग आ जाती है, बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो होता है। तो इसकी आप कटिंग्स और भी छोटी छोटी करके लगा सकते हैं, मेरे बहुत से पॉट्स में ये भरा पड़ा है। तो इस तरह से आप इस पौधे को रखें। और फ्रेंड्स, इसमें अब फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, जो पॉट रह गए हैं पुराने वाले जिनमें जिनसे हमने प्रूनिंग की है, तो उनमें हम फर्टिलाइज़र डालेंगे ताकि ये पौधा जो है हमारा बीज बनाए, बीज जो बने हेल्दी वेल्दी से पैदा हो, ताकि हम अगले साल उनसे नए पौधे ग्रो कर सकें। कटिंग क्या होता है, कई बारी हमारी ख़राब भी हो जाती है, तो बीज भी हमारे को ज़रूरत है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे हो गए हैं, आप अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को बांट सकते हो, उनको दे सकते हो। तो देखिए मिट्टी दिखा रही हूँ किस तरह की, इस तरह की सूखी सूखी सी मिट्टी इस पौधे को पसंद है। तो फुल सनलाइट की तरफ इनको शिफ्ट कर दें। तो आपने ये फर्टिलाइज़र डालना है। देखिए प्याज के जो पतले वाले छिलके हैं उनको भिगोकर मैंने रखा हुआ है, तो इस गिलास में मैं इनको छलनी की हेल्प से छान लूँगी। कोई भी छिलका फर्टिलाइज़र में नहीं रहना चाहिए। ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ज़्यादा मात्रा पोटाशियम की होती है। इस पौधे को फूल खिलाने के लिए पोटाश की ज़रूरत होती है। तो एक जग पानी में देखिए आधा गिलास का फर्टिलाइज़र का मैं मिक्स कर लूँगी और सभी पौधों में डाल दूँगी। जब तक ये फूल खिलाएगा, फूल मिलते रहेंगे हमें, तो उसके बाद ये पौधा जो है बीज बनाना ही लग जाएगा। तो बीज जो है फरवरी मार्च तक पकेंगे, तब हम उन्हें कलेक्ट करके
तो नए पौधे ग्रो कर लेंगे। इस तरह से आप इस पौधे की जो है सेव कर लें अभी। तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई फिर इसकी कटिंग नहीं लगेगी, तो अभी इसकी कटिंग लगेगी। ये मैंने पोर्चुलाका के सेव किए थे पौधे पिछली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।